हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सतीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये सनसेट बेल प्लांट के बारे में जानेंगे। तो देख रहे हो, येलो ऑरेंज मिक्स कलर का आ रहा है। नीचे छोटे छोटे बर्ड्स भी है, और इधर साइड में देखोगे तो पीला और गहरा नारंगी कलर का फ्लावर्स आए हुए हैं। ये फ्रेश फ्लावर्स हैं, और यहाँ पर पुराने फ्लावर्स भी है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ अगर कोई सीड बने तो देखूँ उसके लिए। और ये स्टेम कटिंग से भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है। नीचे आप देख सकते हो, वो अपने आप ही रनर्स की तरह एक छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं। और ये भी एक और बीच में आया है, मतलब एक प्लांट दूसरे एक और प्लांट को जन्म देता है। या फिर आप इसको बीच में जो मोटा स्टेम है उसको तोड़ कर अब कहीं और उगाओगे तो वहाँ पर भी अच्छे आएगा। आप देख सकते हो सॉइल में छोटे छोटे पत्थर भी है, सैंड भी है। थोड़ा मॉइस्चर मेंटेन करना है, साथ ही साथ अच्छा छेद होना चाहिए पॉट में, पानी गिरते ही चले जाना चाहिए और मॉइस्चर भी रहना चाहिए। तो ये प्लांट आप इंडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो। मैंने थोड़ा इस तरह जगह रखा है जहाँ पर थोड़ा ब्राइट लाइट आता हो, तो ये नज़दीक से थोड़ा डार्क ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन आप थोड़ा दूर से देखोगे ना तो ये थोड़ा हल्का सा रेड का, रेडिश कलर का है। तो थोड़ा हल्का सा रेड शेड आपको दूर से दिखाई देगा। पत्ते में भी नीचे आप देखोगे थोड़ा रेड कलर का पत्ते हैं, तो ये एक प्लस है। मतलब अगर फूल ना भी दे तो आपको यहाँ पर ये दिखने में काफ़ी सुंदर होगा। आप देख सकते हो नीचे लाल रंग का पौधे में एक छोटा सा माइनस है, जैसे ज़्यादा धूप भी गिर रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो पत्ते जल रहे हैं। ये जो एड जो होते हैं वो जल रहे हैं, और पानी डालते वक्त भी अगर इसके ऊपर पानी डल रहा है तो थोड़ा नुकसान करेगा, फंगस वंगस लग सकता है। और इसमें एफिड्स जैसे सफ़ेद रंग से मिलीबग्स जैसे भी कीड़े आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का सा एक वाइट डॉट दिखाई दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा लग जाता है इस तरह के पौधे को, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम सा होता है, पानी स्टोर करता है इसके पत्तों में भी, थोड़ा बहुत स्टेम में भी। और नीचे वेल ड्रेन नहीं है तब भी फंगस लग जाता है, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वरना ये इंडोर भी लगा सकते हो, आउटडोर भी लगा सकते हो। अगर इंडोर में रख रहे हो, घर के सामने कोई टेबल में रख रहे हो या खिड़की के बगल में रख रहे हो, तो कुछ दिन खिड़की के बगल में था, हल्का सा ब्राइट लाइट आता था, अच्छा सा फ्लावर होता था। तो फ्लावर ना भी हो तो पत्ते भी दिखने में सुंदर लगता था, लेकिन रेडिश कलर नहीं आ रहा था। तो मैंने थोड़ा घर का बाहर रखा है जहाँ पर थोड़ा बहुत ब्राइट लाइट आए, ना ही बहुत ज़्यादा धूप आए, तो वहाँ पर भी ये लाल रंग का थोड़ा शेड आने लगा, थोड़ा दिखने में अच्छा लगने लगा। पानी हर दो दिन में एक बार डाल देता हूँ, शाम के वक्त डालता हूँ या अर्ली मॉर्निंग डालता हूँ। और थोड़ा बहुत केयर की ज़रूरत है, जैसे कि ये पुराने फ्लावर्स हो गए, इसको काटेंगे तब और ज़्यादा नया बर्ड्स आएंगे, या जो बर्ड्स है उसका फ्लावरिंग साइज़ थोड़ा और बड़ा होगा। बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं होगा, इसी साइज़ का होगा, लेकिन थोड़ा और दिखने में अच्छा लगेगा, मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे। और ये उस तरह का पुराने पत्ते कुछ है तोड़ना है, फिर नीचे जैसे कि नए पौधे आ रहे हैं वहाँ से निकाल कर कहीं और ट्रांसपेरेंटली करना है। और जहाँ पर ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पीछे भी फ्लावर्स था, यहाँ पे भी फ्लावर्स है, तो ये प्लांट यहाँ पर भी बर्ड्स आ रहे हैं, तो ये जो प्लांट ज़्यादा फ्लावर देने लगता है उसको ना खाद भी ज़्यादा चाहिए। तो एक पॉट का एक साइज़ होता है, उससे ज़्यादा आप खाद भी डाल नहीं सकते हो। तो अल्टरनेटिव क्या होता है कि जो खलिया होता है, जो तेल निकालने के बाद जो वेस्ट होता है, जैसे कि मूंगफली की खलिया हो गया, या नीम के तेल, नीम अगर सीड्स दे रहे हो तेल निकालने के बाद वो जो वेस्ट बचता है, या सरसों का भी वेस्ट बचता है तेल निकालने के बाद, वो वेस्ट को आपने पानी में रखकर एक दो दिन फर्मेंटेड करके डाल सकते हो, जीवामृत डाल सकते हो, गोमूत्र डाल सकते हो मिक्स वाला, इस तरह आप लिक्विड जैसा फर्टिलाइज़र डालोगे तो काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स भी आएगा और पॉट भी भर नहीं जाएगा। पॉट का भी नीचे थोड़ा स्पेस होना चाहिए, जैसे कि इसका सीड्स गिर रहे हैं तो अपने आप ही पौधा आ जाए, या इसका जो साइड स्टेम से भी प्लांट उगने वाला है तो उसे अपने आप आ जाए। तो ये एक्चुअली साउथ अमेरिका, मिडिल अमेरिका का है। आजकल जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स है वो कहीं से भी आप
लेकर आ सकते हो, या इंडिया में भी आजकल मार्केट में मिलता है। तो मैं ये केरला के अराउंड, इंडियन अराउंड बहुत ज़्यादा इस तरह के वेराइटी वेराइटी फ्लावर्स मिलते हैं और दिखने में भी अच्छा लगता है। इसमें भी काफ़ी वेराइटीज़ के हैं, काफ़ी कलर्स के हैं। ये कलर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, जब भी सवेरे या मॉर्निंग देखता हूँ, एक बार फ्लावर्स आ जाता है तो 4-5 दिनों तक वो फ्लावर रहता है और इतना सुंदर दिखाई देता है ये ब्राइट कलर। सो इट्स ए रिफ्रेश यूअर मूड्स, इट्स ए मेक यूअर लाइफ कि हाँ जी यार अच्छे से सवेरे हुआ, दिखने में अच्छा लगा। सो दैट फीलिंग यू विल फील। सो ये है सनसेट बेल, दिखने में बेल शेप का है और शाम के समय जो सूरज का रंग दिख रहा है उस तरह है। तो सिंपल, थोड़ा सैंड, थोड़ा गार्डन सॉइल, थोड़े छोटे छोटे पत्थर, नीचे अच्छे से छेद। अगर घर के अंदर रख रहे हो तो इसके नीचे प्लेट, पॉट के नीचे। घर के बाहर रख रहे हो तो छोटा कवर या कुछ रख, तो कभी भी एक्सेसिव पानी हो जाए तो अपने आप ही बाहर चला जाए। और थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी आए, जैसे गर्मी गलती से ज़्यादा हो गया या आपने कहीं रखा वहाँ पर धूप ज़्यादा आ गया, तो नीचे, क्योंकि सूरज का डायरेक्शन भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है जैसे सीजन चेंज होता है, तो नीचे आप किसी कोई प्लेट रख दिया, उसके ऊपर थोड़ा पत्थर रखकर, छोटे छोटे पेबल्स रखकर पानी डाल दिया तो दिखने में भी सुंदर लगेगा। फिर उसका जो एवापोरेशन आएगा प्लांट को भी दिखने में फ्रेश और हेल्दी रहेगा। सो ये है दोस्तों आज के प्लांट के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो।